हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको दिलीप बिल्डकॉन के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स बताने वाले हैं जो अभी आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू मतलब कि जो कंपनी का सेल्स है वो 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है टू 2,924 करोड़। नेट प्रॉफिट 14% राइज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 127 करोड़। रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है 2,924 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है वो 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी ही शानदार नज़र, क्योंकि कंपनी की सेल्स और कंपनी की नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों से कंपेयर करें तो दोनों में इंक्रीमेंट दिखाई दिया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,207.78 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। उसी के साथ इंडस्ट्री का पीई देखें तो 22.73 है, और कंपनी का पीई देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.33 है। तो इंडस्ट्री के पीई से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको उसी रेट में मतलब ज़्यादा महंगे भाव पे नहीं मिल रही है और ना ही ज़्यादा सस्ते भाव पे, लेकिन एकदम बराबर भाव पे आपको ये कंपनी मिल रही है। इसकी बुक प्राइस भी 2.48 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, और डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखो काफ़ी ही बढ़िया है, 56.62%, मतलब लोगों ने इतनी डिलीवरी उठाई है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर आप देखिए जो 4 साल से लगातार रेवेन्यू मतलब कंपनी का जो सेल्स है लगातार इंक्रीमेंट ही है। तो लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही हुआ है, और साथ ही में जो कंपनी का मुनाफा है, कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें आपको डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। ये बात नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर की वजह से उस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो डिक्रीज होते हुए नज़र आई है, लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट्स में वो भी इंक्रीज हुई है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की, तो उसका 5-ईयर हाई देखें तो 1,247.50 रुपीज़ का, और अभी शेयर 544.35 रुपीज़ पे चल रहा है, जो आज 3.03% डाउन था और 17 रुपीज़ ये शेयर नीचे गिरा है। तो क्या लगता है कि अब आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप खुद सोचिए, 5-ईयर हाई से जो शेयर आपको आधे प्राइस में मिल रहा है वो कितना कम भाव में आपको मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म भी निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, और हो सकता है इसके रिजल्ट्स बढ़िया है आए हैं तो मंडे को थोड़ी गैप अप ओपनिंग भी आपको मिल सकती है। तो अगर आप चाहो तो प्री मार्केट में शेयर लेके आप मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है, और बाकी सब उसी के ऊपर डिपेंड है कि बायर सेलर कितने हैं, बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हो सकता है इसकी गैप अप ओपनिंग हो। और साथ ही में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए, आगे आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा होगा। थैंक यू, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।